सो है गाइज कैसे आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है guys, के guys, brand new episode के अंदर so, guys, आज हम लोग दोबारा तो से आ चुके हैं गाइज माइकल के साथ एंड गाइज हमारा फाइन वी गाइज हैश टैग फोर्टी सेवन भी आ चुका है सो so, गाइज अभी हम लोग ना देखो रिक के बारे में तो बात कर लेते हैं देखो गाइज आप सभी को पता होगा कि यार हम लोग रेस के लिए जा रहे थे एंड तभी का इस रास्ते में हमारा हेलीकॉप्टर ख़राब हुआ जिसकी वजह से गाय हमारा हेलीकॉप्टर गया पानी के अंदर एंड हमारा हेलीकॉप्टर भी डूबा हमारी गाड़ी भी डूबी हम मैं भी डूबा और हमारा फ्रेंड गाइज पैनी भी पानी के अंदर ही डूब गया था बट गाइस मेरा वक्त बढ़िया था जिसकी वजह से गाय मैं ना एक किनारे पर पहुँच गया एंड मैं बच गया गाय बट गाइस मैं सही बताओ ना यार उसके बाद क्या इसीन हुआ मैं पहनी और उस गाड़ी को गज ढूंढने पर लग गया मैंने बहुत हाथ पैर मारे तो गाइस पता चला कि यार अपना फ्रेंड जो स्कॉर्पियन है ना उन्हीं के गाइस गन वेयर हाउस पर एक गाइस समरीन खड़ी है बट समरी नहीं थी जब मुझे वहाँ पर जाके पता चला वहाँ पर एक गाइस गाड़ी थी जो समरीन में कन्वर्ट हो जाती है गाइस एंड गाइस हम उसी को लेकर ना देखो यहाँ से निकले एंड चले गए उसी लोकेशन पर जहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर गाइज गिरा था पानी के अंदर एंड वहीं से गैस हमने ना देखो यार कंटेनर तो लेकर आ गए रस्सी से बांध कर उस गाड़ी के साथ पट 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 यहाँ तक मतलब बहुत बढ़िया हो गया था कि हमें गाड़ी मिल चुकी है यार हमें ना बैनी नहीं मिला अभी तक एंड बैने का कोई अता पता नहीं है एंड जो अगर हमने ना देखो फ़ोन भी ट्रेस करने की कोशिश की थी बट फोन का कैसी नहीं है ना फ़ोन भी नहीं ट्रेस हुआ और उसकी लोकेशन क्या आ रही है वहीं की जहाँ पर अपना हेलीकॉप्टर डूबा हुआ तो मीन्स गाइज फ़ोन उसका हेलीकॉप्टर के अंदर ही था बाकी गए अगर हम बात करें अब बैनी की और गैस उसकी लोकेशन हमें नहीं पता और ना ही बैनी हेलीकॉप्टर के अंदर था तो अब क्या ही कर सकते हैं बट उसके बाद ना गए मैं और जैक अपना जो स्कॉर्पियन का बेटा ना वो गए हम लोग ना देखो घर पर आ गए थे एंड घर पर गए जब भी मैं आया ना मैं सोचा रहा था कि अब ना मैं और जैक ना ब्रेस्ट वगैरह थोड़ी देर कर लेते हैं यहाँ पर बट काइ यहाँ पर क्या सीन हुआ मुझे गाइस मैसेज आ गया अपने फ्रेंड यार गन डेजर का जो अपना लिबर्टी सिटीज यार उसका मैसेज आया उसने कहा कि मुझे मिलना है मैं लॉस एंटोस आ रखा हूँ तो अगर मिल सकते हो तो बताओ फिर भाई अब मैंने तो कह दिया हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं मिल जाएंगे बाकी यार मैं ना अपने कस कहा अपना पी को ना भगा के ना यहाँ से निकल देता हूँ ठीक है जहाँ पर उसने मुझे बुलाया है ठीक है हम ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे हम फटाफट से ना बस गाड़ी को ना यहाँ से निकाल देते मैं ना थोड़ा यहीं पर आ रहा कर रहा गाड़ी को रोक के खड़ा हुआ था बाकी यार मैं ना अपने यहाँ उससे निकलूँ उसने ना मुझे लोकेशन दी थी एक रेस्टोरेंट की बर्गर शॉट करके कुछ नाम है उसका वो तो देखो वहाँ पर जाकर हम देखेंगे कौन सी लोकेशन है बाकी गायस हम लोग ना फटाफट से ना यहाँ से गाड़ी बगा के चलते हैं है। so, हम लोग ना देखो पहुंचने वाले बर्गर शॉट क्योंकि मुझे यहाँ से ना सामने दिख रहा है एक का, guys, बड़ा सा बोर्ड जिस पे मेरे हिसाब से गाय पर मेन्यू वगैरह लगा हुआ है इसका बाकी मैं यहाँ पर देखो आ तो चुका हूँ एंड आई थिंक सो गाइस हमारे सामने फ्रेंड एक खड़ा तो हुआ है वहाँ पर एक सेकंड पहले हाँ पर गाड़ी लगा देता हूँ फिर उसके पास चलते हैं हम्म hmm, मिनट हाँ पर मैंने ना देखो गाड़ी ना आराम से अपनी प्यारी BMW भाई मुझे बहुत पसंद है भाई ये गाड़ी आराम से मैंने यहाँ पर देखो इसको खड़ा कर दिया आप चलते हैं अपने फ्रेंड के पास है ना इसके पास जाकर ना फटाफट से बातचीत कर हैं कि हाँ भाई क्या हालचाल आ क्यों रखा बाकी रूबी कौन तो चेक करो क्या बढ़िया लग रही है हेलो क्या हालचाल क्या कल करूंगा बात आपसे हेलो हाँ हाँ बात कर रहे थे क्या फोन पे हेलो हाँ भाई मैं कल कैसे हो बढ़िया बढ़िया तुम बताओ कैसे हो मैं भी बढ़िया गले तो मिलो अरे यार कितने टाइम बाद मिल रहे हैं मेरे भाई मेरी बात तो सुन क्या सीन हुआ क्या हुआ आज आओ पहले बैठते हैं अंदर फिर फिर बात करते हैं आज आज पहले अंदर ही बैठ जाते हैं ठीक है इधर कैसे आए कुछ गाड़ी गुड़ी की नीड तो नहीं आपकी अरे वो तो बढ़िया चल रही गाड़ी -गुड़ी की नहीं। हाँ पर के लिए की है अच्छा तुम है क्या मुझे लगा यार हाँ। ये किसी और की नंबर प्लेट तो बड़ी खतरनाक लग रही है भाई यार <laughs> हाँ नंबर प्लेट बढ़िया लग रही है यारोडिफिकेशन भी करवाई पहले से आ रखी थी मोडिफाइड होके

तो मेरे हिसाब से ना गए हमें ना यहाँ से निकल करना किसी ऐसी लोकेशन पर जाना पड़ेगा जहाँ पर गैस कोई बंदा ना हो कोई गैस भाई कैमरेज ना हो और ना ही कोई पुलिस वाला हो ठीक है तो भाई हमें वैसी कोई लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी बाकी अपने पीछे वो देखो रूबी को उनको देखकर देखो आ रहा है जैस को गायज अभी हम लोग ना गाड़ी को भगाते हैं आई थिंक सो गायज एक लोकेशन है तो सही जहाँ पर हम लोग ना देखो बैठ करना आराम से बातचीत कर सकते हैं बट उसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ से दूर जाना पड़ेगा बट कोई नहीं यार इतनी बढ़िया गाड़ियाँ ले रखी हैं भाई ऐसे थोड़ी जगह रखी हैं दो मिनटों में गए हम गाड़ियों को ना भगा कर वहाँ पर पहुँच जाएंगे एंड अपना मैं फटाफट से ना गाड़ी को ना इसको ना ओवरटेक करके बस लोकेशन की तरफ कोई निकलता हूँ तो खाइज यहाँ पर ना देखो हम लोग ना बहुत दूर आ चुके हैं एंड काइज देखो यार यही लोकेशन बेस्ट थी वैसे तो गैज ये थोड़ी सी गैस पब्लिक लोकेशन है बट यहाँ पर हमने जाना ही नहीं है गाइज ऑबियसली बात है यहाँ पर हम क्यों ही जाएंगे क्योंकि पब्लिक लोकेशन है देखो ये कोई लोकेशन है जहाँ पर देखो कुछ लोग वगैरह आते जाते रहते हैं ठीक है बट आई डोंट थिंक सो सोज अभी यहाँ पर कोई है ना ही यार हम इतनी तेज -ते जब कहीं बाहत करने वाले तो कोई फ़ायदा नहीं है तो हम लोग पता क्या करते हैं गाड़ी को ना यहीं पर साइड पर लगा दे इधर आ जा इधर मैं साइड पर लगा देता तो हूँ अपनी गाड़ी को ठीक है अभी हम लोग ना कहे यहाँ पर आई थिंक सो आराम से बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ना देखो कोई भी मुझे दूर दूर तक तो दिख भी नहीं रहा है यही बैटर रहेगा अपना ठीक है

अच्छा ऐसी बात है ना चल मेरी बात सुन अभी देख लोकेशन का तो मुझे भी नहीं पता है बट हमें पता करवाने के ना देखो एक मेरा फ्रेंड है ठीक है बहुत बढ़िया फ्रेंड है आई थिंक so, वो हमारी हेल्प कर सकता है बता तेरी राय सही आ, है मतलब तू बता अपनी राय ठीक है ना आ, है। तो अब मेरी बात सुन जो मेरा वो फ्रेंड है ना बहुत पुराना फ्रेंड है हम कॉलेज स्कूल इकट्ठे ही पढ़े हैं तो यार हम उसपे ट्रस्ट कर सकते हैं और उसी ने यार मुझे जेल से भी बचाया था ठीक है उसके बेटे ने ठीक है तो ऐसे कोई सीन की बात नहीं है ठीक है वो बहुत बढ़िया बंदा है ना ही उस पे चक करने की जरूरत है ठीक है तो हम उससे ना हेल्प ले सकते हैं इन चीजों में क्योंकि यार उसका बहुत ज्यादा यहाँ पर नाम चलता है और हमें देखो यार एक एजेंसी स्टार्ट करनी पड़ेगी जो तूने मुझे पता है कि अपना सिक्योरिटी का ही बिजनेस स्टार्ट करना है तूने यहाँ पर और गन्स का करना है यहाँ पे क्योंकि तू दोनों ही करता है मेरे हिसाब से पहले सिक्योरिटी ओके सिक्योरिटी है ठीक है ठीक है ठीक है 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 ना सिक्योरिटी ठीक तो मेरी बात सुन आ, फिर हम पता क्या करते हैं आ, मैं अपनी गाड़ी को क्या करूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस एरिया में अपनी गाड़ी जाए और मैं भी भाई बहुत डर -डर की इस एरिया में रोडें कैसी हैं और उसी पर मैं बी एमडब्ल्यू डा के देख कर आ गया हूँ बट जो थे जीप है ना भाई ये रैग वर नहीं रैग ट्रू बिकॉन ये आईडम so, कि हमें कोई दिक्कत देगी रास्ते में है ना भाई सही है ना क्यों लूंगा अरे नहीं नहीं मेरी बात सुन पता है क्या करते हैं अभी ना चल तू मेरे पीछे अपनी गाड़ी लेके पहले मैं अपनी ना एक बी एमडब्ल्यू ना आस पास ही खड़ी कर देते हैं क्योंकि यहीं से हम निकल जाएंगे रहेंगे, और अपने फ्रेंड के पास ठीक है आ, ओके गाइस यहाँ पर ना हम लोग ना अभी फटाफट फड़ से ना क्या करते हैं गाड़ी को ना कहीं खड़ी कर देते हैं एक मिनट मुझे पता है कि हम गाड़ी को कहाँ खड़ा कर सकते हैं एक तो मैं आराम से पीछे को लेके जाऊं भाई कंट्रोल करनी बहुत मुश्किल रहती है लेट्स गो गाइस हमने ना देखो यहाँ पर गाड़ी भाई थ्री सिक्सटी घुमा दी थ्री सिक्सटी तो नहीं मेरे हिसाब से वन एटी घुमा दी थी बट जो भी घुमाई थी ना बहुत बढ़िया तरीके से हमारी गाड़ी घूमी थी बाकी वो हमारा पीछे आ रहा है ना भाई क्योंकि उसकी गाड़ी यार जीप रूबी भी कौन है ना आगे भाई ये बी ये तो भागती बहुत अरे आगे आगे आ गया, आ गया, गया। कोई दिक्कत नहीं हमारे पीछे ही आ रहा है ना यहाँ पर ना मुझे पता है कि पार्किंग हमें मिल जाएगी क्योंकि यार आप सभी को अगर याद होगा कि रेस्ट्रा का एक बेस हुआ हुआ करता था यहाँ पर अपनी हम गाड़ी खड़ी करके सकते हैं आप सभी को मैं दिखा देता बहुत तो नुकसान हो गया यार मुझे नॉर्मल से हो भाई अरे यार चल कोई नहीं आ जाकर आ जा यार अपनी मैं तो अब गाड़ी अपनी खड़ी कर रहा हूँ यार थोड़ी ना ज्यादा गाइस लेफ्ट साइड को चली गई थी एंड वहाँ पर देखो अपने गाड़ी के साथ क्या हुआ आगे कहा स्क्रैच डल गए नहीं यार मैं नहीं चाहता था ये चीज़ बट चलो कोई नहीं आ यार यहाँ पर अब आ तो चुके हैं यार गाड़ी को ना यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ इस पार्किंग के अंदर एंड सी भी अपनी रूबीकोन के अंदर यहाँ से निकल जाएंगे देखो यार थोड़ा दुख वगैरह हो रहा है कि अपनी गाड़ी के ऊपर स्क्रैच आ गए हैं बट कोई नहीं यार एक बार बैनी मिल जाए फिर हम उसे ठीक करवा देंगे अगर बैनी नहीं मिला तो वो यार और यार मुझे उसकी भी टेंशन हो रही है यार मेरी बात तो सुन हेलो ओ यार यार पता क्या सीन है यहाँ पर ना कल मेरा एक फ्रेंड भी कैस, देखो यार पानी के किनारे पे पहुंच गया चल चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं आजा मैं तेरी रूबी को ट्राई करूँ क्या ही चलाएगा मुझे पता ही नहीं चल हाँ ये भी है अरे हाँ ये भी बात है आजा भाई इसका इंटीरियर चेक करू भाई इंटीरियर देखो पूरा शीशे ओ भाई एप्पल घर पे भी चल रहा है और भाई इंटीरियर तो बहुत बढ़िया यार गाड़ी मस्त है यार रूबी कौन भी है भाई भी लेट्स गो अब मैं ना थोड़ा पीछे को ये करना घर से निकल जाता गए देखो यार मेरी बी वो खड़ी है उसको ऐसे ही खड़े रहन देते हैं एंड मैं नहीं चाहता था कि यार उस गाड़ी को हो कुछ बट यहाँ पर अब देखो जो होना था वो तो अब हो ही चुका है अब होने को कोई टाल नहीं सकता तो इससे बेहतर हम यही करेंगे कि हम यहाँ से ना निकल करना फटाफट से चलते हैं अपने फ्रेंड स्कॉर्पियन के घर पर एंड इसको मेरे फ्रेंड और सेकेंड भाई अभी एक्सीडेंट हो जाता एंड एक सेकेंड गाइज हम लोग निकल तो चुके हैं बट मैंने अभी तक गाइज स्कॉर्पियन को फ़ोन करा के पूछा भी नहीं कि भाई तू घर पे है कि नहीं मेरी बात सुन फ्रेंड मैं अपना जो बड़ी फ्रेंड मैं ना उसके अपने फ्रेंड को ना एक बार यहाँ अपना कॉल ही कर देता हूँ जब तक तू जाकर कोई फ्रूट वगैरह लेना यहाँ से गए मैं एक बार उसको ना कॉल कर देता हूँ एंड ना फिर मैंने ना उससे बात वगैरह भी करनी है तो वो इस यहाँ पे बैठ के अपने फ्रूट वगैरह देख मैं जब तक उसको कॉल करके पूछ लेता हूँ कि वो अपने घर पे है भी या नहीं ठीक है ओके तो गैरना तो गाइस अभी अपीना हम लोग पता क्या करते हैं फटाफट से ना यहाँ पर ना स्कॉर्पियन को कॉल लगाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि अपना फ्रेंड स्कॉर्पियन अपने घर पर है या नहीं वो तो गैस अभी कॉल करके ही पता चलेगा तो फटाफट से कॉल करके पता करवा ही देते हैं एंड गाइज उसको फिर मैं कह दूंगा कि भाई मैं अभी ही आ रहा हूँ एंड देन गाइज वहाँ पर हम फटाफट से ना गाड़ी लेकर निकल जाएंगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है चल फिर ठीक है मिलते हैं वहीं पर ही ओके 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 तो गाइज जी यहाँ पर गाइज क्या सीन हुआ ना मेरी बात हो चुकी है काइज जी यहाँ पर स्कॉर्पियन से एंड मेरी बात सुने यार सुनिए फ्रेंड भाई, भाई वो पता तो क्या कर रहा है वो तो घर पर ही है बट यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर ऐसी कोई मीटिंग वगैरह करनी है तो हम घर पे नहीं करते हैं हम इसी ए, ऐसी एक लोकेशन पे करेंगे जहाँ पर हम लोग आराम से बैठ के एक इस मतलब मीटिंग और इस बिजनेस के बारे में ना आराम से हम कर पाएंगे बात तो वो कह रहा है कि मैं तुझे ना एक लोकेशन दे रहा हूँ वो पलीटो बे के अंदर एक याट है ठीक है उसी की याट है ठीक है वहाँ पर तो कह रहा है हम वहीं पर मिलेंगे कि तुझे हेलीकॉप्टर की नीड है

हेलीकॉप्टर को उठाते हैं जो अपना फ्रेंड रखवा देगा वहाँ पर ठीक है क्योंकि उसके पास खाज पैसा बहुत है भाई उसका आप सभी ने मेंशन देखा ही है ना एंड ऊपर से एक तो गए उसने सिक्योरिटीज़ गार्ड के लिए ना दो दिन तो घर ही खरीद रखे हैं एक घर में तो गए मैं पहले रहा भी हूँ उसके बाद गए मैं वाइट वाले घर में भी रहा हूँ ठीक है तो यार उसने मेरी बहुत हेल्प की और उसके पास पैसा भी खाई बहुत ज़्यादा है तो आई थिंक सो सोगैज़ वो हमारी हेल्प में इन चीज़ों में करवा भी देगा एंड उसने यही कहा कि अब ना यार हम तू मेरी यार्ड पे आ जाइए हम वहीं पे तुझे मिलेंगे ठीक है मैं और जैक और उसकी सिक्योरिटी गार्ड्स भी गैज वहीं पर ही होंगे उसने यही कहा है कह रहे हम ना यहाँ से तीन हेलीकॉप्टर्स ले कर जाएँगे एक हेलीकॉप्टर तुम्हारा होगा ठीक है एक हेलीकॉप्टर दो हाँ, दो हेलीकॉप्टर हाँ, हाँ, हमारे होंगे तो यार मैंने उसको गैस यही कहा कि कोई दिक्कत नहीं यार मतलब सब कुछ सेट है यार अपना एक हेलीकॉप्टर जो है तो बस तू रख दे हम भाई दो ही तो बंदे हैं दो ही बंदों ने हमने आना है तो कोई नहीं तो वहीं पर पहुंच मैं आ जाऊँगा बाकी यार उसके पास तो मुझे अब पता चला कि एक यार भी है यार यार हम ऐसे ही अमीरी कब देखेंगे मुझे वही नहीं समझ आती हम कुछ अमीर होना चाहते भी हैं बट यहाँ पर ना यार बहुत दिक्कतें आती चलो भाई ये अपना फ्रेंड है जो इसने अब अप देखो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है यहाँ पर लॉ सेंटर्स के अंदर ये भी तरक्की कर रहा है हम ही नहीं कहते यहाँ पर कुछ कर पा रहे थोड़ी बहुत तरक्की करना चाहते ही हैं इतने में मेरी गिक्क़त वगैरह हो जाती है अब देखो अपना जो कार्स वाला शोरूम चल रहा है वो भी बढ़िया वैसे चल तो रहा है बट इतनी इनकम नहीं गज उससे हो पा रही जितनी मैं चाहता हूँ देखो यार आप सभी को पता कि यार इनकम देखो हमारी है बहुत है बट यार हाई लेवल तक की नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे ना यार वीक वीक सा फील होता रहता है कि भाई ऐसी लाइफस्टाइल जीनी है ना हमने तू तू मेरे साथ काम कर मैं तुझे बनाऊंगा मीर कौन सा काम करूं भाई तेरे साथ सिक्योरिटी का ही और क्या तू मेरा सीईओ बन अच्छा मैं तेरे साथ पार्टनरशिप में आऊं मतलब तू ये जो कहना चाह रहा है हां हां इस काम के अंदर लॉस सेंटर्स में तेरा 60% अगर तू मेरे साथ काम करेगा भाई साहब 60% का गाइस हां भाई ये गाइस ये डील ना बहुत बढ़िया दिया इसने मुझे यहाँ पर अपने जेबर्टी फ्रेंड ने यार गेटिव तो मैं ना छोड़ने नहीं वाला मैं तो एक्सेप्ट कर कर ही रहूंगा इस चीज़ को कैसे आप सब की क्या राय है वैसे तो मैं तो एक्सेप्ट कर ही रहा हूँ बट फिर भी आप सभी जाकर ना कॉमेंट सेक्शन में ना बता सकते हैं कि आप सभी क्या चाहते हो बाकी यार मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज से यार आप सभी जाकर नहीं फटाफट से ना मुझे इस बारे में बता देना बाकी कैसे लोग ना फटाफट से ना बे रूबी को भगा के चलते हैं सीधा गई पजिटो बे सो गाइस यहाँ पर हम लोग ना देखो अपनी गाड़ी गैज बगा कर पाली बे पहुँच चुके हैं एंड अभी गैज़ हमें ना यहाँ पर एक रास्ता देखना पड़ेगा जहाँ से हमें ना देखो नीचे की तरफ उतारने पड़ेगी बीच की साइड पर एंड गज़ यहाँ पर गाइस क्या सीन है आ, अपना जो स्कॉर्पियन है ना उसका मुझे गाइस फोन आया था एंड उसने गाइस मुझे ये कहा है कि हेलीकॉप्टर की ना वहाँ पे खड़े करने की कोई जगह नहीं थी इसीलिए उसने कहा कि हमने बोट का ही जुगाड़ करवा दिया तो बोट तुम्हारे लिए स्पेशली वहाँ पर खड़ी हुई है तो तुम जाकर बस अपनी बोट के अंदर बैठना एंड निकल जाना बाकी उसने लोकेशन है मुझे बता दी बोट की किधर की है वो सामने आप अगर आप सभी अगर देख सकते हो एक सेकेंड वो देखो राइट साइड में वो खड़ी बोट और वहाँ पर जिपर्टी वो दिख रही है क्या वहाँ पर वो बोट राइट साइड में हाँ भाई दिख रही है दिख रही है ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है मैं ना अभी एक मिनट एक मिनट यहां से निकाल के ट्राई करता हूँ पानी को नीचे निकल जाएगी। निकल जाएगी तो हाँ निकल तो गई चल, सही, है, सही, है, सही है अभी ना देख मेरी बात सो बोट देख बोट कह रहा हूँ सोरी यार्ड देख वो रही सामने हमने ना देख वही यार्ड में जाना और ये रही बोट उसने कहा ब्लैक कलर वाली खड़ी होगी बहुत बड़ी सी आ जाए इसी में आजा

बाकी एक सामने उसका हेलीकॉप्टर वो खड़ा तो दिख रहा है जो उसके घर पे खड़ा 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 होता है 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 वो 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 देख सामने एक, वो खड़ा हुआ। एक छोटा सा भी वो पीछे की साइड पे करा हुआ है। दो हेलीकॉप्टर में आए हैं, आ, हैं ना खड़े स्कॉर्पियन स्कॉर्पियन सिक्योरिटी गार्ड तो जाने पहचाने लग रहे हैं मुझे कौन से जाने पहचाने वगैरह सिक्योरिटी गार्ड क्या सीन हो गया इसके। क्यों जाने तुझे? पता नहीं मैंने कहीं देखे लग रहे है। अच्छा ऐसी ऊपर जाने का रास्ता इधर से, से, से ही होगा आराम से किसी का रूम आ गया भाई इधर से जाना हमने एक सेकंड ये भी कोई डोर है ये भी क्या है ये क्या है अच्छा ये तो वही रास्ता है जैसे इधर को आने का भाई ये भी रूम है ये भी रूम है ये कौन सा रास्ता जा रहा है एक मिनट ये है तो भाई आज कि भाई यहाँ के चुंज पे आ गया अच्छा यहाँ से जा सकते हैं ओके ओके आ जा मेरे हिसाब से यहाँ से हम लोग ना जा सकते हैं ओके आई थिंक सो ये यही वो रास्ता है जहाँ से हम लोग बाहर जा पाएंगे हाँ हाँ गाइस आ जा भाई पीछे आ इधर ही है

बिगेस्ट गन और सिक्योरिटी का बिजनेस है मेरा ओके 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 हम भी यहाँ पे गन्स करते हैं हमारा यहाँ पे वेयर हाउस है लॉस एंजेलस में जी सर अब मैंने देखा आपकी सिक्योरिटी तो बड़ी मस्त है हाँ 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 हमने भी ये सिक्योरिटी लिबर्टी सिटी से ही मंगवाई थी अरे शायद आपने मेरे से ही मंगवाई होगी मुझे भी लग रहा है कि मैंने ये सिक्योरिटी देखी है कहीं तुम्हारा नाम क्या है पूरा मेरा नाम है जोरावर ओह जोरावर 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 आई थिंक सो मैंने इन्हीं से जीती जोरावर से ही हाँ 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 तुम ही से जी होगी मेरे हिसाब से बट मेरे हिसाब से मैं तुम्हारे मैनेजर से मिला था तुमसे नहीं मिला आज तक अरे ये तो जैक है मैं तो उसको जा... अरे जैक नहीं ली थी मेरे से अरे अरे सर क्या हाल चाल तुम्हारे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे अरे मैं इधर बिजनेस से रिलेटेड वर्क करने आया हूँ आप कैसे हो अरे अरे मैं तो बढ़िया तुम बताओ मैं भी बहुत बढ़िया अरे मेरी बात तो सुनो आजाऊ अब देख यार स्कॉर्पियन मेरी बात सुन यहाँ पर क्या सीन है ना देख यार इसने यहाँ पर ना सिक्योरिटी और अपना गन का बिजनेस ना एक्सपेंड करना है लॉस एंटोस के अंदर क्योंकि ये लिबर्टी सिटी का टॉप गाइज देखो मेरी बात सुनो टॉप का गाइज सिक्योरिटी और गन डीलर और ये चाहता है कि यहाँ पर भी ये ऐसा ही काम करे एंड और पैसे बनाए देखो तुम्हारा प्रॉफिट भी होगा हमें भी प्रॉफिट मिल जाएगा सभी का प्रॉफिट मिल जाएगा चाहे हम परसेंटेज वगैरह बना देंगे देखो यार जिस हिसाब से तू करना चाहेगा तू बता दे थर्टी थर्टी करनी है कैसे बता थर्टी थर्टी मैं रखूँगा नहीं एक मिनट थर्टी टू रख थर्टी मैं रखता हूँ फोर्टी ये रख देगा सही है ना ये बात सही रहेगी मेरे हिसाब से थर्टी हाँ ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं चाहे तू ना भी दे कोई नहीं यार हम तो पुराने दोस्त हैं ऐसी कोई बात नहीं है आ, मेरी बात सुन जगह जगह तुम्हारे पास है कि नहीं है जगह सर मुझे जगह चाहिए यार जगह जगह यार हमारे पास तो नहीं है मेरी बात सुन यार कोई जुगाड़ करवा सकता तो बता दे यार आ, देख यार मेरी बात सुन जगह अच्छा जगह मैं तेरी करवा दूँगा जगह कैसी चाहिए तुझे बता दे सिटी के अंदर चाहिए आउट ऑफ सिटी चाहिए कैसी चाहिए आ, मेरी बात सुन हमें जगह देख पता कैसी चाहिए जगह हो ऐसी जहाँ पर ना ही पुलिस वाले हों ना ही कोई नॉर्मल बंदा हो ठीक है ना ही कहीं कोई कैमरा किसी के हो कि भाई हमें देख रहा हो हम ऐसा काम कर रहे हैं ऐसी कोई लोकेशन बताओ जगह 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 चल ठीक है वही नहीं भाजपा मुझे तो ना थोड़ा टाइम दे मैं तेरे लिए करवाता हूँ जगह तेरे लिए मैं शायद ढूंढवा दूँगा मुझे दो मिनट दे सर दो मिनट मैं ना एक मिनट कॉल कर रही ठीक है कॉल कर देता हूँ अरे सुन दो ना जरा बाहर जाओगे ज़रा ओके okay, ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है तुम करो कॉल वगैरह भाई यहाँ पर क्या सीन है ना देखो बातचीत तो ऐसी है कि भाई ये लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं अपना स्कॉर्पियन फ्रेंड है देखो यार ये तो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं हम थर्टी थर्टी भी कर लेंगे यार नहीं भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं तो हमारी पुरानी दोस्ती है तो कोई दिक्कत नहीं यार अपना हम कर लेंगे हाँ भाई तू एग्री करता है क्या ये बात सही है

बाकी वो कॉल वगैरह कर रहे हैं तब तक हम यहाँ यहाँ पर बैठ के और क्या वेट ही करते हैं ठीक है उसकी फिर उस हिसाब से हम आगे देखेंगे भाई अगर वो कुछ भी उसका होगा कोई डाउट वगैरह या कोई लो, लोकेशन मिली या नहीं मिली देखो उसने तो अब लोकेशन करने के ढूंढने के लिए कॉल की होगी वगैरह किसी को देख यार मुझे भी नहीं पता वो किस को कॉल कर रहा है ठीक है उसकी वैसे भी पर्सनल लाइफ है तभी उसने कहा कि हम दोनों बाहर ही जाए ठीक है यही बेटर क्योंकि उसके सिक्योरिटी गार्ड्स से भी देख उसने अंदर नहीं रख रखे पर्सनल बात के लिए भी सोच रहा है मतलब ऐसे ही हमें ना अपना सब कुछ करना पड़ेगा मेरी बात सुनो यार मैंने ना देख मेरी बात सुन नया घर भी जिया ठीक है मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार नए घर के लिए ना सिक्योरिटी दूंगा एक बढ़िया सी तो तू बता दी यार सिक्योरिटी वगैरह के लिए जैसे तूने ब्लैक कैट कमांडो भेजे थे कितने तगड़े थे मेरे वैसे वैसे से तू अगर करवा देगा ना तो यार मैं अपने घर पे ना रखवा दूंगा क्योंकि यार मेरी एक सिक्योरिटी जो याद है हमने ऑक्शन में जीती थी वो भाई सिक्योरिटी अरे भाई उसको यार शेख के बंदों ने उड़ा दिया शेख मेरा दुश्मन है है? हाँ उन सब सब खत्म कर दिए मेरे घर पर सब अटैक अटूक करके सब दी, सब कुछ खत्म कर दिया उसने, दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा धमकी दे रहा था वो है ये अरे वो बस बातों का ही है उसके पास कुछ ही नहीं है तो भाई उसने सब कुछ कैसे किए इतने बड़े बड़े वो हेलीकॉप्टर लेकर आया था मेरे घर पे अरे वो अंडरग्राउंड बनता है उसके पीछे बहुत बंदे हैं इसीलिए वो बस नाम का ही शेख है पपे हैं मेरी बात सुन हाँ। इसका पता करवा के दे इसकी ऐसी तैसी मारनी है मुझे इतने टाइम से मिल नहीं रहा इसकी ऐसी तैसी माने धमाका करूंगा एक तो मैं बता रहा हूँ तुझे अरे हाँ हाँ मेरी वजह उसकी वजह से मेरे भी 200 मिलियन पानी में गए हैं मेरी बात सुन अच्छा हाँ। मेरी बात सुन अभी हम पता क्या करते हैं इस यहाँ से फ्री फ्री वह ना एक बार मेरे फ्रेंड वगैरह को भी ढूंढ है बैनी को ठीक है और ना मुझे आज ना कीज़ भी देनी है ठीक है अपने क्या कहते हैं उस बंदे के रजिस्टेड के एजेंट पे घर पे जाना है और मुझे ना अपना कैश भी देना है गाड़ी के अंदर कैश पड़ा हुआ है ठीक है और ठीक उसको है। वो भी मुझे देना बी एम डब्ल्यू वहीं से उठा के ना हम कैश उठा के निकल जाएंगे सीधा उसको देने के लिए और फिर कीज़ दे देंगे मेरे घर की एंड उसके बाद देखते हैं अभी शेख के बच्चे का मेरे घर पर जाके क्या करना है और मेरी बात सुन हेलो अब जो पैसे हैं यार उनकी दिक्कत तो नहीं होगी देख वो मेरी गाड़ी के अंदर पड़े और गाड़ी देख ऐसे नॉर्मल पार्किंग में खड़ी है सूटकेस भी ऐसे ही पड़ा हुआ सीट पे मैं दे अरे मैं दे दूंगा पैसे बहुत पैसे है, पैसे की दिक्कत नहीं है अरे बट फिर फिर भी भाई गाड़ी गाड़ी के अंदर भाई किसी ने अगर ब्रीफ केस लिया ना पड़ा हुआ है भाई गाड़ी तो चुरे की चोरी होगी होगी साथ में कैश भी जाएगा भाई ये नहीं मैं चाहता तो हम पता क्या करते हैं फटाफट से ना यहाँ पे काम ने बैठ के ना अपने बीएमई उठाते फिर अपने दोस्त को ढूंढेंगे ठीक है ठीक है बाकी मैं तेरी सिक्योरिटी का देखूंगा टॉप क्लास सिक्योरिटी दूंगा तुझे ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं चल अरे नीचे आ जाओ है क्या बुला रहा है वो नीचे हाँ बुला रहा है अच्छा अच्छा चलो भाई वो मेरे हिसाब से स्कॉर्पियन बुला रहा है यहाँ पर ठीक रहा था आ, भाई, आ, भाई, इतरा, इतरा। हाँ भाई हाँ भाई मई का इधर आ भाई क्या बोला आ जाओ लिबर्टी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मेरी बात सुनो आप अभी यहाँ पर लोकेशन uh, तो हमें मिल चुकी है uh, uh, ये मेरे तुम्हें पता है ना वाइट हाउस माइकल मेरा व्हाइट हाउस हाँ हाँ पता है मुझे पता है बताओ uh, उसी के साइड में हमने एक लोकेशन ढूंढी है uh, वहीं से हम uh, काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ पर कोई आएगा जाएगा भी नहीं अरे बैटर है यार ये तो बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है सही 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 दे करवा दे लोकेशन को भाई बनाना पड़ेगा क्या बनी बनाई लोकेशन है बता नहीं, नहीं 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 बनाना पड़ेगा यार वहाँ पर वहाँ पर काम वगैरह बहुत होगा तो मेरे हिसाब से महीने तक वो डन हो जाएगा अच्छा चल ठीक है अब लोकेशन तुम्हारे लोकेशन जो है ना देखो वो हमारे घर के पास है और तुम्हें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने भाजी हाँ यार ये तो सही रहेगा मेरी बात सुन तू हमें लोकेशन अभी दिखा सकता है क्या नहीं 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 अभी नहीं नह हाँ कल कॉन्ट्रैक्टर आएगा उसको मैं साइन वगैरह करके काम डन करवा दूँ फिर उसके बाद फिर मैं कल कॉल करूँगा फिर तो आइयो फिर तो लोकेशन देख लियो अच्छा चल ठीक है ओके ओके अरे अरे मेरी बात सुनो माइकल अंकल सब कुछ डन हो जाएगा अरे कोई दिक्कत नहीं जाएगा यार सब कुछ हो जाएगा बाकी फिर ठीक है हम लोग फिर यहाँ से निकलते क्योंकि ना हमें ना थोड़ा बहुत अभी काम वगैरह है वो खत्म कर दे फिर हम ना आराम से कल बैठेंगे और कॉन्ट्रैक्टर से ना सब कुछ डन करवा के कल मैं मैं तुझे मुझे कॉल कर एक बार फिर मैं तेरे पास मिलते फ्रेंड। ओके यहां पर हम लोग ना फटाफट से ना हम निकलते हैं अरे नीचे यहाँ पे दिया भाई कितना हम भागेंगे यहाँ से कहां पे डूब जाएगा पानी में नहीं कह रहा है यहाँ पर आने को कह रहा हूँ अच्छा। अरे, <laughs> अरे, अरे हाँ मैं उनसे पूछ के क्या क्या? तो, पूछने की क्या बात है सीधा उठा ले न, वो छोटे वाला उठा देते मैं तो कहता हूँ चल आ हुआ है ठीक है हेलीकॉप्टर को मैंने देखा था आप सभी को भी दिखा देता हूँ कौन से हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ वैसे आप सभी को पता नहीं होगा कौन सा स्पैरो मैंने दूर से देख लिया था वैसे वो खड़ा हुआ ऊपर आप सभी यहाँ पर चेक करो वो ऊपर खड़ा हो बट यहाँ पर, पर चढ़ने के लिए ना मुझे इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा यहाँ से इसको इधर भी चढ़ गया इधर भी चढ़ गया अबे तू का इधर से आ रहा है भाई कट मार के आ गया वाह भाई चल आ जा मैं तो बैठ रहा हूँ इसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं बता देगा ना उनको बता दिया तूने है ना बता दियो, बता दियो। चल चल भाई उड़ा फिर इसको स्टार्ट कर भाई इसके पक एक ही तो गाइज इसका पंखा है ये अरे अच्छा निकल गए क्या इसके पंखे भाई इसके निकलते भी पंखे मुझे नहीं पता था गाइज बट यहाँ पर हम लोग ने देखो निकल चुके और वो बोट गई तो गई कहाँ पर यार मुझे यहाँ पर अरे वो पहुंच गई वो रही पीछे वो पड़ी हुई पीछे बोट भाई चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर अपने सामने देखो वो रो भी को खड़ी हुई है ठीक है ये देखो वो नीचे अपनी रूबी रूबीकॉन खड़ी हुई है फटाफट से ना बस आराम से तू लैंड कर दे एंड चलते अपनी रूबी रूबीकॉन के अंदर अरे 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 इतना आराम से नहीं ओ भाई मुझे फटना नहीं है मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अरे अरे यार मैं क्या क्यों ले रहा। रहा है मेरे पास एयरप्लेन का क्या कार्ड है ड्राइविंग वैसंस अरे मेरी गाड़ी डूब गई अरे नहीं डूबी कहाँ डूब गई सही तो है भाई।, भाई थोड़ा बहुत तो ऊपर आता रहता है यार अब क्या ही कह सकते हैं जा चल बैठ गाड़ी के अंदर चलते हैं फिर यहाँ से भाई अब हम लोग ना देखो यहाँ से निकल जाएंगे बाकी यारोट ना भाई बहुत आगे को निकल गई थी जिसकी वजह से गाइस हमें यार इनका हेलीकॉप्टर ही उठाना पड़ गया कोई दिक्कत नहीं यार यहीं पे हमने खड़ा कर दिया अब अपने उठा लेंगे उनको पता तो होगा कि क्या होगा कि हम लोग ना हेलीकॉप्टर से यहाँ से गए हैं और वैसी बात है इतना बड़ा है, इतना बड़ा तो नहीं है बट इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है हेलीकॉप्टर की उसी से उन लोगों को पता चल गया होगा बाकी इस रास्ते से चलते हैं मेरे हिसाब से यही बेट रहेगा वो ऊपर चढ़ानी पड़ेगी नहीं तो गाड़ी वहाँ से ना और यहाँ पर थोड़ी ओवरलोडिंग वगैरह से अभी इस गाड़ी का ना पता चल जाएगा कि ये ओवरलोडिंग कर भी पाएगी कि नहीं वैसे कर तो रही है यार बहुत बढ़िया तरीके से फुल भाई अरे भाई यहाँ पे पता चल जाएगा सही बताऊँ इस जगह पे पता चलेगा कि का, कैसे होगी ओवर रोडिंग हो रे भाई क्या है भाई, भाई क्या मस्त लग रहे है यार ऑफरोडिंग रोडिंग यहाँ पर मस्त हो रही है चलो भाई अभी ना हम लोग ना एक मिनट ऊपर को ना देखो हमने गाड़ी तो चढ़ा दी है और रोड की तरफ भी हम लोग आ चुके हैं एंड हम अब लोग ना फटाफट से क्या करते हैं ना यहाँ से ना देखो गाड़ी को ना भगा कर चलते हैं वहीं पर जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी थी और भाई हमें उस गाड़ी को ना देखो उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि उसके अंदर पैसे पड़े हैं एंड गाइस वो अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा कीमती ऊपर से स्क्रैच भी आ चुके हैं तो मैं नहीं चाहता गाइस कुछ हो उस गाड़ी को और उन पैसों को क्योंकि उस पैसे उन पैसों को मुझे देना है अपने रजिस्टर्ड एजेंट को जिनसे मैंने अपना घर लिया है ठीक है और मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे अगर पैसे चले भी गए मेरी गाड़ी भी चली गई तो भाई मैं अपने इन अपने फ्रेंड लिबर्टी से उधार मांगूँ तो मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता तो इसीलिए मैंने फुल देखो रूबीगोन तो भाई खींच रखी है पूरी अब चलते हैं सीधा हम अपने लॉस सेंटोस so, सो घाजारी यहाँ पर हम लोग ना देखो पहुँच नहीं वाले हैं लोकेशन पर मैं थोड़ा ना ऑफरोडिंग तो रास्ते से आ रहा था देखना चाह रहा था कि गाइज़ ये रूबीगोन कैसी ऑफरोडिंग करती देखो हमने इसे फजी टबे के अंदर तो है, देखा ही देखा यहाँ पर भी मैं चेक कर रहा था एंड गाइज हम लोग ना ऑलमोस्ट पहुँच नहीं वाले हैं जहाँ पर अपनी बी खड़ी हुई है एंड यहाँ पर ना देखो वो Uh, मेरा जो फ्रेंड है ये है, अपना ये बड़े फ्रेंड इसने मुझे कहा है कि uh, अभी ना इसने निकलना है यहाँ से um, क्या कहते हैं अपना एक अपॉइंटमेंट पर जहाँ पर इसकी ना कहीं सिक्योरिटी की कुछ चीज़ होनी है तो इसको ना कह रहा है दो घंटे तो लग ही जाएंगे ऑलमोस्ट तो कह रहा है उसके बाद हम मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद क्योंकि इसके पास अभी कह रहा है घर वगैरह कोई नहीं है ना इसने होटल ये रखा था बट मैंने इसको कहा कि कहता है होटल में निकल जाऊँगा फिर अगर तुझे वहाँ पर मिलने आना हो वहीं पर आ जाइए फिर मैंने कहा कि नहीं 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 मेरे पास एक घर है तो वहीं पे है? मैं जा रहा ना, एक बार ना अपने फ्रेंड जो का है, से मैंने घर लिया है मैं उसको मिल कि उसको मुझे कैश ना, से घर की चाबी देनी है ठीक है? है, है फिर दो तीन घंटे तक ठीक है ठीक है, है बाकी मैं तुझे फिर मुझे बता दो लेने आना है मैं वहीं पर आ जाऊँगा फिर हम इकट्ठे घर पर चल पड़ेंगे ठीक है ठीक है ओके चलिए बाय बाय इस फटाफट से ना एक बार गाड़ी चेक कर देता हूँ एक सेकेंड स्क्रैच कहाँ गए भाई वो मिट्टी तो नहीं थी जो मुझे लग रही थी वहाँ पर बट वो स्क्रैच थे यार वो लकड़ी टूटी थी बट वो लकड़ी भी हल्की सी थी आई डोंट थिंक सो गए वो स्क्रैच थे क्योंकि स्क्रैचेज यहाँ से हट चुके हैं हाई साहब यहाँ से ना स्क्रैच हट चुके हैं आई थिंक सो मिट्टी वगैरह ही लग गई होगी या उसी की कालक वगैरह जो भी लकड़ी की जो भी थे वो पता नहीं मुझे नहीं पता लकड़ी थी फ़ोन थी डोंट नो गाइस वो क्या थी मतलब आडो uh, नो यार भाई जो भी थी ना यार बट यहाँ पर देखो मेरी गाड़ी से स्क्रैचेस वगैरह हट तो चुके ही हैं एंड अपना जो फ्रेंड है वो देखो आप सभी सामने वो जा रूबी को नहीं अपनी मैं यहाँ से पता क्या करता हूँ uh, यहाँ से नहीं यहाँ से राइड क्योंकि काइज मुझे यहाँ से ना जाना पड़ेगा सीधा उसके घर पर क्योंकि काइज उसका आप सभी को पता काज यार ऑफिस तो बंद था मुझे मेरे दिमाग से निकल गया कि उसका तो ऑफ़िस बंद है आज तो हमें यहाँ से निकल करना फ़टाफट से ना उसके घर पर जाना पड़ेगा एंड वहाँ से ना हम लोग ना उससे चाबी वगैरह ले लेंगे एंड मैं उसको कैश पेमेंट भी कर दूँगा मैं ना उसको रास्ते में ना एक बार कॉल भी कर दूँगा यहाँ से कि हाँ भी मैं आ रहा हूँ तेरे घर पर चाबी लेने के लिए तो तू चाबी रेडी रखे हो बाकी कैश मेरे हाथ में ही है बैंक तुझे बैंक से तो मैंने देख ऑनलाइन आधी पेमेंट तो कर ही दी है तो देखते हैं फटाफट से ना मैं उसको ना एक बार फ़ोन ना कर ही देता हूँ ठीक है लेट्स गो यार उसको मैं कॉल करूँ यार फटाफट से और वाइट गाइजी यहाँ पर हम लोगों ने देखो उसको कॉल करके ना पूछ गया था एंड उसने मुझे कहा कोई दिक्कत नहीं तुम आ लो घर की चाबियाँ मेरे पास ही हैं तो तुम पेमेंट वगैरह कर दो यहाँ पर आकर और मैंने कहा चल कोई दिक्कत नहीं मैं आ ही रहा हूँ अपनी गाड़ी लेकर बाकी रेट्स को भाई मैंने अपनी गाड़ी को ना यहाँ से ना भागा कर नीचे की तरफ ले अरे गलत आ गया भाई इसका तो दूसरे साइड से था एक मिनट एक सेकेंड किधर से है अरे इधर से है भाई मैं कहाँ से ले गया था एक सेकंड ये इरा का है जिसका घर गो भाई ये सामने खड़ा हुआ है भाई लगता है इसको आवाज आ गई आपकी गाड़ी वगैरह की हाँ भाई क्या चाल अरे मैं ना गाड़ी को ना इधर ही खड़े कर दूँगा क्यों दूसरे घर में गाड़ी लेके जानी ठीक है तो हाँ भाई मेरी बात सुन हेलो ये देख तेरी पेमेंट ये रही ठीक है तू पेमेंट ले जाए और मेरी चाबी ले आया ना तू हाँ ले मेरे पास ही है घर के अंदर है ओके okay, तो आओ फिर चलते हैं फिर अंदर में क्योंकि मुझे चाबी लेकर ना फिर यहाँ से निकलना है ठीक है मुझे थोड़े और आगा काम वगैरह भी, भी यहाँ पे ओके गैस जहाँ पर ना इसी के अंदर इसके पास जाते हैं इसे देखो चाबी वगैरह ना घर की ये देते हैं ठीक है एंड इसके बाद गैस हम निकलेंगे फटाफट से अपने घर पर जब ही अपना फ्रेंड फ्री हो जाएगा बर्डी फ्रेंड फिर उसके गैज बाद ना हम यहाँ से

सो गाइस यहाँ पर हम लोगों की देखो बातचीत हो चुकी सब कुछ डन यहाँ पर कैश भी दे दिया गया है एंड मैंने चाबी भी, भी चलो यार आप करो रेस्ट एंड मिलता हूँ आपसे तो कभी मिल जाएंगे हो तो कर दो ना। okay, okay, कोई दिक्कत नहीं थैंक यू सो मच सर आपने मुझे इतना बढ़िया घर दिखाया ठीक है अब हम लोग ना यहाँ से ना निकल गए हैं अपनी बी एम डब्ल्यू यार यहाँ पर क्या खड़ी प्यारी बकरी यार इतनी बढ़िया बकरी ना यार ये तो बी एम डब्ल्यू दिल को छू जाती है ऐसी ऐसी गाड़ियाँ यार मुझे तो मैं ना अब क्या करता हूँ फटाफट से ना गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ एंड यहाँ से हम लोग ना चलते हैं ठीक है बाकी यार ये रास्ता जो है ना भाई थोड़ा सा अजीब है जिस रास्ते पर फिर उसने गाड़ी हो रहा कि भाई मेरी गाड़ी थोड़ी उठ गई वो भाई उठ गई थी मेरी गाड़ी अभी हम लोगों ने पता क्या करते अरे भाई एक तो यहाँ पर भाई अरे यार मेरी टच हो रही है गाड़ी यार क्या यार मैं आराम से चलाऊँ एक मिनट पीछे को ले जाऊँ ओके तो मुझे ऊपर को चढ़ानी है ना अपनी गाड़ी ऊपर रोड पे जाना मेन पे ओके तो लेट्स गो भाई अभी लेट्स गो ओ ओह भाई भाई, 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 भाई अभी आराम से अरे यार ये यार आराम से क्यों नहीं चल रही भाई आप अरे भाई गाड़ी को क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रही आराम से चल ही नहीं रही यार ये एक मिनट आ, अब चलाऊँगा ना फटाफट से और अरे ओ भाई सामने पेट में ठोक देता अभी मैं यारे यार अब गंदी हो गई ये भी सही है अब गंदी हो गई यार अब यार हार यहाँ पर धुलवाने वाला नहीं है क्या यार क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी गंदी बिल्कुल भी नहीं पसंद ऊपर से इतना कीचड़ वगैरह लग रखा है यहाँ पर बट आई डोंट थिंक सो गाइज यहाँ पर कोई धुलवाने वाली गाइड शॉप है एक सेकेंड रेस्टोरेंट है ना बट यहाँ पर धुलवाने वाला नहीं है अबे एक सेकंड ओ तेरी ओ भाई अबे एक सेकेंड ये क्या है बेनी अबे दो मिनट रुक जाओ भाई रोड पे भाई दिख नहीं रही पड़ी हुई है मैं ना गोली मार दूंगा तेरी ऐसी अबे तेरी गाड़ी अब रो, रो, रो। रो। रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक काड़िया नहीं के गाइस यहां पर भाई काड़िया बिल्कुल नहीं रोक रहे मेरा दोस्त यहाँ पे पड़ा हुआ हेलो बहरी बहनी हेलो ओ बनी यार इसके ऊपर ना पानी मार के देखता रुक ये सन। रुक ये एक मिनट तेरी उठ रहा है उठ उठ उठ, उठ।, उठ। हेलो बैनी अबे बैनी अरे यार क्या हुआ बहनी हेलो ठीक है तू अरे यार इसकी हालत कैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है मेरे हिसाब से ना कह इसके मुंह के अंदर ना कह पानी जा चुका है मैं क्या करता हूँ ना सी देने की कोशिश करता हूँ इसको सीधा करता हूँ सबसे पहले चूँगा यार यहाँ पर ना मैं इसको भाई उठाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई इसके मुँह से ना कश यहाँ पे पानी वगैरह निकल रहा है ओके okay, यहाँ पर अब ठीक थोड़ा फील कर रहा है ठीक नहीं है इसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये ढंग से बोल भी नहीं पा रहा इसको ठहक के लेकर जाने की बात कर रहा है अरे तो यार गाड़ी को ना मुझे बीच में ये कराना पड़ेगा इसको बिठाना पड़ेगा गाड़ी के अंदर यार एक तो गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही चाहे जाम लग जाए चाहे जो मर्जी हो जाए दोस्त को बचाना मुझे अपने यार एक तो एक गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ इतनी गाड़ियाँ लो भाई मैं आ गया हूँ अब ठीक है अभी वो उठने के देखो ट्राई तो मेरे हिसाब से कर रहा है अभी मैं इसको उन्होंने उठा के ना भाई गाड़ी के अंदर बैठा देता हूँ गेट खोल दूँगा इसका आ जा भाई आ जा तुझे तो तो गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता हूँ तो गाए सर मैंने ना देखो इसको गाड़ी के अंदर यहाँ पर बैठा दिया है ठीक है मैं अपना यहाँ से ना निकल दूँगा फटाफट से भाई हॉस्पिटल तो क्योंकि गाइज मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त को कुछ हो और भाई फाइनली ना ये मिल चुका और वैसे एक सेकेंड ये उसके घर की तरफ से कहाँ से आ रहा था जो रियल स्टेट एजेंट है भाई मुझे नहीं पता क्या पता कि इस कराने किनारे कनूरे पे आया होगा जैसे मैं आ गया था मैं तो बट आसपास ही आया था बट ये तो बहुत ज़्यादा दूर था और यहाँ पर चलता चलता ही आ रहा था बट बहुत ज़्यादा इसकी हालत यहाँ पर ना खराब थी इसलिए ना ये ढंग से ना चल नहीं पा रहा था बट जो भैया हम भाई हम ना अपनी गाड़ी को ना भगा के सीधा चलते हैं हॉस्पिटल मैं नहीं चाहता कि अपने दोस्त को गाइस कुछ यहाँ पर हो तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर भगाते अपनी गाड़ी को चलते सीधा हॉस्पिटल सो गाइस यार यहाँ पर आप सभी लोग देखो मैं ना हॉस्पिटल आ गया था एंड मैंने ना देखो हॉस्पिटल के अंदर ना देखो अपने फ्रेंड बहनी को ना एडमिट वगैरह करवा दिया है डॉक्टर को बताया कि भाई ये पानी के अंदर डूब गया था ऐसे ही बस बोला हमने तो अब वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा ट्रीटमेंट वगैरह में तो मैंने कहा बस यार आप मेरे ना फ्रेंड को ना ठीक कर देना अब यार देखो वो कहता है कुछ दिन तो लग ही जाएंगे यहाँ पर एंड मैंने कहा यार कुछ दिन क्या है तुम जितना मर्जी टाइम दो बस मेरा फ्रेंड यहाँ पर ठीक होना चाहिए उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं हम अपने फुल कोशिश करेंगे वो मैंने कहा कोशिश कोशिश कुछ नहीं करनी पैसों की दिक्कत है पैसा मैं पूरा दूंगा तुम्हें बट फ्रेंड मेरा ठीक होना चाहिए उन्होंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं हम पूरा यार अपना काम डन कर देंगे यार बैनी के ऊपर देखो अभी तो वो फिर से वो कहना यही चाह रहे थे कि कुछ टाइम दो कुछ टाइम दो हम मतलब शायद हम अपने आपके फ्रेंड को कर पाए बट मैंने कहा नहीं शायद शुद कुछ नहीं बस भाई तुमने करना है मेरे फ्रेंड को ठीक है अब देखो यार वो लोग तो अब कर लेंगे अपने फ्रेंड को ठीक मैं है तो भाई यहाँ से ना हम निकल गया था अपने नए घर के ये देखो अपना नया घर पे हम देखो हम पहुँचने वाले भी हम अपनी देकर अगर गाड़ी यार आज ना यार बड़ी तगड़ी चल रही है यार मेरे से यार मज़ा आ रहा है इसको भगाने में अरे 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 आंटी भाई इंडिकेटर कौन देगा आंटी कह रहा हूँ अंकल वो अल्लो इंडिकेटर तेरा उफट देगा क्या भाई कैसे कैसे बंदे आ जाते हैं यार चलो कोई दिक्कत नहीं यार अब देखो हम घर के अंदर तो देखो आ ही चुके हैं यहाँ पर एंड ना मैं क्या करता हूँ अपनी गाड़ी को ना यहीं पे साइड में ना खड़ा कर देता हूँ एंड अब हम लोग चलते हैं फटाफट फड़ से अंदर भाई इसका वक्ता हूँ एक मिनट ए ओके चाबी हमने इससे इसका लॉक यहाँ पर खोल दिया अब हम लोग देखो यहाँ पर अंदर आ चुके हैं देखो अपना जो घर है ना यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है एंड फाइनली गाइस भाई एक तो सज्जी वही जगह मुझे यहाँ पर मिल चुकी है अगर हम बात करें अपने मरीबो मेंशन की ना भाई वो एक नंबर का घाइज सही बताऊ रहा वहाँ पर इतनी दिक्कतें आती थी ना जो जब देखो यार मतलब कुछ ना कुछ तो उस घर के अंदर प्रॉब्लम्स आती ही रहती थी बट इस घर में तो गैज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तो देखो मुझे पता नहीं है बट जब से भी मैंने अभी तक ये घर लिया है अभी तक ना इस घर पे कुछ हुआ ना कुछ वगैरह वगैरह भाई सब कुछ सेट वगैरह अपना बेड भी यही रहा ठीक है मैं क्या करता हूँ ना थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट वगैरह कर लेता हूँ सो वगैरह जाता हूँ ना यहाँ पर एंड जब भी एज अपना फ्रेंड कॉल करेगा जीवर डे फ्रेंड तब उसको गए अपने घर पे ले आएंगे एंड आज के इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं क्या नई और ब्रांड वीडियो के साथ अभी ना आप सभी पता क्या करो भाई वीडियो को ना लाइक कर दो एंड का इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो एंड इस वीडियो को गैस लाइक एम है एट हंड्रेड लाइक्स का तो मुझे पता है कि आप सभी इस लाइक एम को ज़रूर पूरा करवाओगे एंड कुछ लोग हैं कि यार सब्सक्राइब नहीं करते एंड वीडियो देखते रहते हैं एंड ऊपर से लाइक भी नहीं करते यार इतने बंदे मुझे देखते हैं बट यार तो कर दिया करो यार देखो यार जो बंदे बहुत बढ़िया है ना अपने वैसे तो सभी बढ़िया वैसे सही बताओ ना बट जो वो ज्यादा ही बढ़िया है ना वो यार लाइक वो भी कर देते हैं यार आप भी उन ज्यादा बढ़े हुआ ना लिस्ट में आ सकते हो तो भाई फटाफट से जाकर ना वीडियो को भी लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड हाँ गाइज़ इंस्टाग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है हाँ आप सभी जाकर ना फटाफट से मुझे वहाँ पर फॉलो कर लो एंड क्योंकि गाइज़ मैं वहाँ पर ना देखो वीडियोज़ के रिलेटेड ना अपडेट्स वगैरह ना देता ही रहता हूँ एंड वहाँ पर अगर आप सभी को कोई क्वेश्चन भी होगा वहाँ पर मुझे आप सभी वहाँ पर पूछ सकते हो तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक जो गाइज हम शेख के पास जाएंगे क्योंकि अपना जो फ्रेंड जो बड़ी फ्रेंड है ना ये कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं शेख से हम बदल जाएंगे शायद हम नेक्स्ट वीडियो में शेख के पास जाएँ तो आप सभी ना वीडियोस के साथ ना बने रहना एंड जो अपना है ना उसको ना ऑल पे कर देना क्योंकि तो नेक्स्ट वीडियो में क्या पता हम शेख से लड़ने ही निकल जाएँ यहाँ तो शेख को ना दबोच के यहाँ पे पकड़ ही दे तो गैस आज की वीडियो को तो इतना ही मिलते हैं गैस नई और ब्रैंड न्यू वीडियो के साथ तब तक खेलिए गज मेरी तरफ से सी यू अगेन